स्टाइल है प्रीतम का। क्या धूम की ट्रैक वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी। धूम 4 फिल्म की बात काफी ज्यादा चर्चे में है, जिसमें स्टार करने वाले हैं अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन एंड उदय चोपड़ा, और शायद फिल्म में ऋतिक रोशन की भी री एंट्री हो सकती है। ये फिल्म बहुत धमाकेदार एंड जबरदस्त होने वाली है। इस फिल्म का प्रोडक्शन अभी जल्दी ही शुरू हो जाएगा 2022 में। ये फिल्म डायरेक्ट की जाएगी विजय कृष्ण आचार्य द्वारा। इन्होंने धूम की फ्रेंचाइजी की सभी फिल्में डायरेक्ट की है। स्टोरी लाइन इस फिल्म का वही सिमिलर होने वाला है जैसे कि हमने पहले कहा। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग फिल्म धूम 4 के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जैसे विजय कृष्ण आचार्य ने ये फिल्म डायरेक्ट की है, वैसे ही इस धूम फ्रेंचाइजी के हर एक सॉन्ग प्रीतम ने ही कंपोज किए हैं, और हम ये गेस कर सकते हैं कि ये धूम के नेक्स्ट पार्ट में भी प्रीतम ही सॉन्ग्स कंपोज करने वाले हैं। इस फिल्म फ्रेंचाइजी के सभी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा हिट है, और जाहिर सी बात है कि धूम 4 के सॉन्ग्स भी प्रीतम ही कंपोज करेंगे एंड ये भी हिट होंगे। प्रीतम ने कई सारी ब्रांड्स के लिए जिंगल्स बनाए हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, इमामी, थम्स अप, लिम्का। धूम प्रीतम की सेकंड म्यूजिक कंपोज की हुई फिल्म थी, और जबरदस्त हिट हुआ था धूम का साउंडट्रैक। ट्रैक टाइटल ट्रैक सुनिधि चौहान ने गाया था एंड इस गाने का इंग्लिश वर्जन भी है। फिल्म के सारे सॉन्ग इतने हिट हुए थे कि यूके यूएसए के पब्स में भी काफी ज्यादा बजते थे। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड प्राउड मोमेंट था प्रीतम के लिए। और भी कई सारे सॉन्ग्स हैं प्रीतम के जिन्हें आज भी लोग सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। प्रीतम का एक अलग अंदाज है सॉन्ग्स कंपोज करने का। उन्होंने रॉक, सूफी, गजल हर तरह के सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, बट उनका म्यूजिक स्टाइल कैरेक्टराइज होता है डेलिकेट फ्यूजन क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ कंटेम्पररी टोन्स में करता है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बर्फी, लाइफ इन अ मेट्रो में प्रीतम के ये स्टाइल एंड पैटर्न के सॉन्ग सुनने मिलेंगे। काफी हिट सॉन्ग्स है ये। और ऐसे अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे।